पिछले कई दिनों से बुंदेलखंड का महोबा जिला दैवीय उत्पादों के दंश से कराह उठा है। कई बार बारिश और ओलावृष्टि से खेत में किसान की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं मटर किसानों की फसल सड़ने की कगार पर है, जिसके बाद बेहाल किसानों का सब्र टूट गया है, जिसको लेकर कई दिनों से किसान लगातार फसल बर्बाद होने पर मुआवजे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को किसानों ने झांसी मिर्जापुर हाईवे को ब्लॉक कर दिया, जिसमें भारी संख्या में किसान सड़क पर नजर आए। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सड़क पर किसानों ने कटे हुए पेड़ रखकर पूरा चक्का जाम कर दिया, जिससे आम राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों का आरोप है कि फसल के नुकसान के बावजूद अब तक कोई सर्वे नहीं किया गया, तो फिर मुआवजा कैसे मिलेगा। किसानों का आक्रोश देख कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनके आश्वासन देने के बाद फिर मौके से किसानों ने जाम खोला। हाईवे पर ये जाम करीब 2 घंटे तक लगा रहा। इस प्रदर्शन में चांद और चंद्रपुरा गांव के किसान शामिल हुए। बता दें कि जिले के किसानों का ये कोई पहला प्रदर्शन नहीं था। कई दिनों से अलग अलग गांव के किसान मुआवजे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे तो प्रशासन ने जल्द से जल्द सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेजने की बात कही है, लेकिन किसानों को मुआवजा कब तक मिलता है इसका अभी तक कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी तो पहले नुकसान का सर्वे ही होना है। फसल बर्बाद होने के बाद किसान भुखमरी की कगार पर खड़े हैं। ऐसे में जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।